तो स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस महामुकाबले में, जिसमें एक तरफ है इंडिया के धुरंधर और दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुछ बंदर, माफ करना साहिद भाई, पाकिस्तान के छुछंदर, माफ करना पाकिस्तान के प्लेयर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश भोसला जी। तो भोसला जी आपका स्वागत है। अबे भोसले के भोसला नहीं, चोपड़ा, माफ कीजिएगा भोसला जी, मेरा मतलब है आकाश चोपड़ा जी। पाकिस्तान का मैच सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया को इंतजार होता है, क्योंकि हमारे लिए महज खेल ही नहीं बल्कि बाप बेटे का मुकाबला है। बिल्कुल सही भोसला जी, मुझे लगता है इस बार पाकिस्तानियों की जान फटने वाली है। मेरा मतलब है पाकिस्तानियों की टीवी फूटने वाली है। तो चलिए चल के पिच का जायजा लेते हैं। तो चलिए भोसला जी। तो भोसला जी पिच की बात करें तो पिच इतनी ज्यादा मुलायम है, इतनी ज्यादा मुलायम है जितने भाभी के वो होते हैं। मेरा मतलब भाभी के रोटियों से है भोसला जी। माफ कीजिएगा चोपड़ा जी। तो हमारे खास मैच के जुड़ चुके हैं खास एम्पायर, जो कि हमारे सोलह मूवी से ठाकुर साहब। और हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाऊ। तो जय हिंद दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब हाथ तो मिलाओ। ठाकुर साहब हाथ नहीं मिलाना है तो बता दो यार, मार क्यों रहे हो? और भाव कैसे हो? चल निकल लो, कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे कमेंटेटर की। तो चलिए चलते हैं टॉस की ओर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोनों टीम के कैप्टन, जो कि हमारे हिंदुस्तान टीम के हैं रोहित शर्मा, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान टीम के बाबर आजम। भोंसड़ी के साहिद अफरीदी हूँ मैं। साहिद भाई आपने तो संन्यास ले लिया था। इंशाल्लाह मेरा दामाद चोटिल हो गया है, इसलिए इंशाल्लाह उसकी जगह मैं खेलूंगा। तो चलिए बिना देर किए टॉस की ओर बढ़ते हैं। तो ठाकुर साहब सिक्का उछालिए, जल्दी कीजिए ठाकुर साहब, लेट हो रहा है। रामलाल, ए भोसड़ी के रामलाल, कहाँ मर गया? मेरे कच्चे से दो का सिक्का निकाल। तो बताइए रोहित जी, आप क्या लेना चाहेंगे? चीट, कभी चीट कभी पोट, संयम मारे सटा शॉट। कब चीट कब पोट, संयम मारे सटा शॉट। So Sahid, you have won the toss. Yes, 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 yes. पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरे जैसे इंसान की। So Sahid, you have won the toss, so what you want to do? Inshallah, boys played well. Sahid, I am asking you what you want to do, bat first or bowl? Inshallah, boys played well. Hey, Bhosra, ask him that, the Pakistani don't know English, Bhosri wala gawar. तो Sahid भाई आप क्या लेना चाहेंगे, चाय ठंडा या मेरा वाला? मेरा मतलब है कि बैटिंग या बॉलिंग? इंशाल्लाह हम बैटिंग करना चाहेंगे। तो आप बताइए कि आप बैटिंग क्यों लेना चाहते हैं? इंशाल्लाह बैटिंग हम इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हमने टॉस जीता है। रामलाल, वो दो का सिक्का मेरे वापस मेरे कच्चे में डाल, ये भोंसड़ी के गांव में भर ले। और बैटिंग के लिए आ चुके हैं बाबर आजम और साथ में है फकर जमन। कमोन बुमरा, कमोन कमार दे, कमार दे। भाईजान आप उधर जाओ। क्यों, क्या हो गया बाबर? अम्मी ने कहा था कि बुमराह के आगे आओगे तो गुमराह हो जाओगे। हट भोसड़ी के डरपोक। और ये बुमराह बॉल ढूंढते हुए, आखिर बॉल है कहाँ पर? ठाकुर साहब बोल दीजिए। रामलाल देखते हैं आखिर कहाँ से मिलता है।
मेरे कच्चे से बॉल निकाल। Oh, no. भोसड़ी के वो छोटी वाली नहीं बड़ी वाली बॉल निकाल। तो आप देख सकते हो ठाकुर साहब ने बॉल को कितनी ही हिफाजत से रखी थी, आप देख सकते हो भोसड़ा जी। चोपड़ा, हाँ चोपड़ा जी, पर सवाल ये उठता है कि बॉल आखिर वहाँ रखी किसने? और बुमराह अपनी पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार, और ये क्या पहली बॉल में बॉल कर दिया पकड़ से उनको, पवन दिल की ओर रवाना करते हुए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बेटा पकड़, मैंने कहा था ना बुमराह के आगे आओगे तो गुमराह हो जाओगे। तो अब पारी को संभालने आ रहे हैं पाकिस्तान की आन बान शान शाहिद अफरीदी खान। और आते ही अफरीदी ने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया और यहाँ पे उठा के खेल दिया है, और ये छह रन मिलेंगे पाकिस्तान को। और अफरीदी के छक्के को देखते हुए पाकिस्तान दर्शक टूट पड़े स्टेडियम की ओर। अफरीदी ने फिर से एक बार उम्मीद जगा दी है पाकिस्तानियों के ऊपर। तो बहुत सारा आप देख सकते हो पाकिस्तान दर्शक कितनी भारी मात्रा में स्टेडियम में घुसे आ रहे हैं। और आज अफरीदी बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं, लग रहा है पाकिस्तान दर्शकों को निराश नहीं करेंगे आज। और उसी के साथ 20 ओवर का खेल हुआ समाप्त और पाकिस्तान के हो चुके हैं 207 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान ये रन चेस कर पाता है या पाकिस्तान ये ट्रॉफी लेके जाता है। जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया। अनुष्का मैम, आप अंदर नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती, अंदर मैंने भतार खेल रहा है, तुम लोग कौन होते हो मुझे रखने वाले? Oh no! जब से विराट की जिंदगी में आई विराट की जिंदगी झंड हो गई है। क्यों झंड कर रख दीजिए तुम? लोग उसे क्रिकेट का किंग बुलाते थे, आज उसकी तुलना आंडू पांडू प्लेयर से हो रही है। पहले विराट हर मैच में शतक लगाता था, अभी 10 रन नहीं मार पा रहा है। वापस घर जाओ, घर में देख लेना अपने भतार को, यहाँ खेल ले तो चैन से विराट को। तो बेटी के लिए आ चुके हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, और ऐसा लग रहा है कि विराट किसी को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ विराट, क्या हुआ? रोहित भाई वो अनुष्का नजर नहीं आ रही यार। साले मोहब्बत का चुतिया हो गया, गेम पे ध्यान दे। ये वाला गेम अगर फ्लॉप गया ना, अगला मैच निकाल देंगे तुम। फिर घर पे देखना मैच अनुष्का के साथ टीवी पर। मैंने रोहित भाई शतक मारूंगा इस मैच में, शतक। बॉलर की गाल फाड़ दूंगा गाल। देखते हैं क्या करेगा, देखो। और अफरीदी की पहली गेंद और विराट कोहली ने लगा दिया बहुत ही शानदार कवर ड्राइव फील्डर की गेंद से होते हुए 4 रनों के लिए। आज विराट बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहा है, रोहित शर्मा भी उतनी ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए। और इसी के साथ विराट के 50 रन पूरे होते हुए। और यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही फर्जी अपील, अब देखना है अंपायर क्या करते हैं। को जरा सबर करो। और अंपायर ने कर दिया रिव्यू का इशारा। मोदी के कौन सा रिव्यू लगा दियो, ये रिव्यू के बहाने मियां खलीफा का वीडियो चला दियो। और अंपायर द्वारा नॉट आउट का इशारा। और यहाँ पे और एक शानदार शॉट विराट कोहली द्वारा, अब सिर्फ चाहिए 2 बोले हुए 5 रन। और यहाँ पे कोई दीवार फांस कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पर ये क्या, ये तो अनुष्का है। और यहाँ पे अनुष्का दीवार फांस कर अंदर आती हुई स्टेडियम के अंदर। लव यू अनुष्का, लव यू। छक्का मारूंगा छक्का, देख लेना इसी बॉल पे छक्का मारूंगा, इसी बॉल पे। तो बैटिंग के जा चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, और चाहिए 1 बोलो पे 5 रन। पाकिस्तानियों की धड़कन तेज होती हुई। और अफरीदी की अगली बॉल, और धोनी ने बल्ला घुमा दिया है बॉल हवा में, और यहां पे फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। और इसी के साथ भारत ये मैच जीता हुआ, और पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी हार का सामना करती है। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना यार। लाइक करो। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से अपने मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों तक पहुंचाओ, और सब्सक्राइब करो, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।